ये वृष्टि का देवता देवराज इंद्र तुम्हें अति वृष्टि का पवंडर दिखाएगा। इंद्रदेव कदाचित अपना अंतिम अवसर भी गंवाने जा रहे हैं। मेरा आदेश तुम्हारे लिए सर्वोपरि है रावत, उसे शीघ्र पूर्ण करो। देवराज का इतना दुस्साहस, अब मैं ही रोकूंगा उन्हें। रुको पुत्र कार्तिकेय। कैसे रुक जाऊं मां? देवराज सभी सीमाएं लांघ रहे हैं, तो उन्हें रोकने के लिए मुझे कुछ नहीं करना चाहिए क्या? पुत्र, ये इंद्रदेव की परीक्षा है, इसमें तुम्हारा हस्तक्षेप करना उचित नहीं। उचित है मां। अब इंद्रदेव की दृष्टिता अपराध में परिवर्तित होने वाली है। अब बात बहुत आगे बढ़ रही है। एरावत का पाव आगे बढ़ा तो घोर अनिष्ट होगा। इतने क्रूर कैसे बन सकते हैं देवराज? अब या तो तुम हटोगे या फिर मिटोगे मोर का गोरे। ये उचित नहीं कर रहे आप इंद्रदेव, ये उचित नहीं कर रहे आप। जिसके हृदय में प्रभु प्रेम है वो अहंकार से परे है, क्रूरता से परे है। ऐरावत ऐसे ही भक्त हैं। धन्य है ऐरावत। प्रभु भक्ति से ही ऐरावत ने इतना बड़ा अनर्थ होने से रोक दिया। सेवक होते हुए भी ऐरावत जी ने इंद्रदेव को बहुत बड़े दोष से बचा लिया। सब कुशल है, यथावत है। धन्यवाद प्रभु का जो उन्होंने इस घोर अनिष्ट को रोक दिया। किंतु इंद्रदेव को भी शांत होना चाहिए। ये रावत मेरे आदेश की अवहेलना कैसे कर रहा है? रावत, तुमने अपने स्वामी के आदेश की अवहेलना कैसे की? इसका उचित दंड दूंगा मैं तुम्हें। निर्बल और निर्दोष जीव जंतुओं पर आघात अत्याचार होता है, और अत्याचार शक्ति का नहीं दुर्बलता और व्यक्ति के अंतर की रिक्तता का परिचय देता है। कहो क्या विचार है तुम्हारा? ओह, तो अत्याचार पर प्रवचन देने के लिए तुम्हारी जीवा ने कष्ट कर ही दिया। वैसे तो तुम उचित ही कह रहे हो, दंड ऐरावत को नहीं,
तुम्हें मिलना चाहिए, तुम्हें हमें मिलना चाहिए, तुम्हें हमें मिलना चाहिए। शक्ति कहां से आ गई सगोरी में? कैसे पकड़ लिया इसने? मुझे पीछे हटने पर विवश कैसे कर दिया? असंभव। तुम अभी भी नहीं समझ पाए देवराज, जो सच्चे मन से प्रभु भक्ति करते हैं उनका कभी कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। ऐसा प्रचंड और भव्य व्यक्तित्व कौन है यह गोरी? अहंकार वो विकार है जिसके वश में आने पर व्यक्ति जो भी करता है अनुचित ही करता है और आकारण अन्य सभी जीवों को कष्ट पहुंचाता है। देवराज इंद्र हूं मैं, प्रवचन कदापि नहीं सुनूंगा, और तुम जैसे अघोरियों का भाषण तो कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। अब तो ये अपने आसन से उठ गए हैं, आइए हम भी जरा हटकर आगे चलते हैं। ए अघोरी, हटो एक और। कैसा हट है इंद्रदेव, हम उनसे हटकर जा सकते हैं, आइए आइए चलिए। नहीं देवगुरु, एक अघोरी के लिए देवराज अपना मार्ग परिवर्तन कर ले ये उचित नहीं है। देवराज जब अपने मार्ग पर अग्रसर होता है तो अन्य को अपने मार्ग से हटना पड़ता है। देवराज इंद्र कौन आए? सेवा के लिए होता है देवराज का पद। तुम्हारे मार्ग से सभी का हटना तुम्हारा सम्मान नहीं अपितु अहंकार मात्र भय है, और अहंकार से भला कोई किसी का सम्मान कहां पा सकता। बस बहुत हुआ तुम्हारा प्रवचन, अब हट जाओ मेरे मार्ग से। देख कर तो ये इच्छा हो रही है कि अपने मुष्टि प्रहार से मैं तुम्हारे इस गर्व परे मुख पर वार करूं और हटा दूं तुम्हें अपने मार्ग से।
किंतु तुम्हें स्पर्श कर मैं स्वयं को मैला नहीं करना चाहता। तुम्हारे स्वामी महादेव से मिलने जा रहा हूं मैं, उनसे भेंट कर उन्हें अवश्य बताऊंगा कि भूतों के समान विचरण करने वाले तुम जैसे अघोरियों की यहां प्रवेश करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। तुम्हें तो धक्के मार मार कर वही भेज देना चाहिए जो तुम्हारा स्थान है, शमशान, शमशान, शमशान। इन दिव्य पुरुष को ये कैसे शब्द बोल रहे हैं इंद्रदेव? कदाचित महादेव को तुम्हें ही कुछ समय के लिए शमशान भेज देना चाहिए, वही तुम्हारे अहंकार की चिता जलेगी। आस, आस। आप तुम्हारे दुर्वचन नहीं सहूंगा मैं। इंद्रदेव रुक जाइए, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता कोई। दुष्ट अघोरी, तुम्हें अपने मार्ग से हटने के पर्याप्त अवसर दिए मैंने, किंतु अब और नहीं। ये वृष्टि का देवता देवराज इंद्र तुम्हें अति वृष्टि का पवनदर दिखाएगा। इंद्रदेव कदाचित अपना अंतिम अवसर भी गंवाने जा रहे हैं। अब इंद्रदेव को अपना वास्तविक परिचय देना ही होगा मुझे। ये तो देवराज होकर इतना अहंकार कि जो आपके मार्ग में आए वो स्वयं शी झुकाकर हट जाए। देवराज महादेव, देवता होने से अहंकार का अधिकार प्राप्त नहीं होता, अभी तू देवताओं का मूल कर्तव्य है दूसरों के प्रति सहानुभूति और सभी जीवों के प्रति सेवा।
तुमने रावत को मुझे कुचलने का आदेश दिया। वो तुम उसके स्वामी हो, इसलिए वो तुम्हारा आदेश मानने पर विवश हो गया। किंतु उसने मुझे पहचान लिया और भक्ति भाव के कारण उसके नेत्र अश्रु से भर आए। किंतु तुम्हारे नेत्र, उन पर तो अहंकार का आवरण था। भविष्य में यदि कोई असहाय और असमर्थ व्यक्ति तुम्हारे पथ में आएगा तो क्या उसे भी कुचल दोगे या उस पर वज्र चलाने के लिए तैयार हो जाओगे? क्या निरीह प्राणी पर चलाने के लिए तुम्हें वज्र प्रदान किया गया है देवराज? नहीं, तुम्हारे जैसे अहंकारी का देवराज के पद पर स्थापित होना उचित नहीं। संसार को तुम्हारे जैसे देवराज की आवश्यकता नहीं। तुम्हें मिटना होगा, तुम्हें मिटना ही होगा देवराज, तुम्हें मिटना ही होगा देवराज। कैसा अनर्थ होने जा रहा है? महादेव, क्षमा महादेव, क्षमा। इंद्रदेव ने कैसे संकट को निमंत्रण दे डाला? महादेव की क्रोधाग्नि से अपना बचाव कैसे करूं मैं? इसी बात का भय था। समीप आ रही है महादेव की क्रोधाग्नि, मुझे और तीव्र गति से भागना चाहिए। क्या कर बैठा? अब तो प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी मेरी रक्षा कर सकते हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे महादेव के क्रोध से बचा लीजिए। मेरी रक्षा कीजिए प्रथम पूज्य गणेश जी। पिताश्री को शांत कराइए माँ। अहंकार के लिए क्या इंद्रदेव को इतना बड़ा दंड देना उचित है? हाँ माता। माता पार्वती, कुमार कार्तिकेय, गणेश जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए मेरी। इसका अनुमान तो मुझे भी नहीं था पुत्र, कि प्रभु इतने क्रोधित हो जाएंगे। किंतु उनके द्वारा दोषियों को दंड देने में मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकती। भैया, फिर तो हमें ही कुछ करना होगा। पिताश्री को शांत करने का प्रयत्न कर
उनसे इस क्रोधाग्नि को लौटाने का आग्रह करना होगा। उचित कह रहे हो तुम। महादेव की क्रोधाग्नि तो मेरी ओर बढ़ी आ रही है। मैं तनिक भी विश्राम नहीं कर सकता। अब कदाचित मेरी रक्षा संभव नहीं। क्या मेरा अंत हो चुका है? अभी तक तो नहीं इंद्रदेव। मेरा अंत नहीं हुआ? यदि मेरा अंत नहीं हुआ तो क्या हुआ है मेरे साथ? और महादेव की क्रोधाग्नि, उससे मेरी रक्षा किसने की? तो गणेश जी ने मेरी गुहार सुन मेरी रक्षा की। अब ज्ञात नहीं क्या होने वाला है। गणेश जी, मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु। इंद्रदेव, अभी धन्यवाद का समय नहीं आया, क्योंकि अभी तक आप सुरक्षित नहीं हैं। ये आप क्या कह रहे हैं गणेश जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये क्रोधाग्नि तो अभी भी मेरा पीछा कर रही है। गणेश जी, वो देखिए, महादेव की क्रोधाग्नि। कृपया कुछ कीजिए गणेश जी, मेरी रक्षा कीजिए। कृपया कुछ कीजिए। अब ज्ञात नहीं क्या होने वाला है। प्रभु, कहीं महादेव की क्रोधाग्नि मुझे ही ना भस्म कर दे। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। गणेश जी मेरी रक्षा कीजिए, कुछ कीजिए प्रभु, प्रभु कुछ कीजिए। धैर्य रखिए देवराज, यथासंभव जो हुआ वो मैं करूंगा ही। प्रभु, ये पिताश्री की क्रोधाग्नि को तो बस वो ही रोक सकते हैं। पिताश्री, उचित यही होगा कार्तिकेय कि तुम इसी क्षण यहां से चले जाओ। पिताजी का यह भीषण क्रोध तो अनर्थकारी हो सकता है। शांत हो जाइए पिताश्री, कृपा कीजिए, मेरी गुहार स्वीकार कीजिए पिताश्री। पिताजी, इंद्रदेव ने जो किया बहुत अनुचित किया, किंतु क्या उनके अहंकार का इतना बड़ा दंड देंगे उन्हें? पुत्र कार्तिकेय, जिन असुरों के साथ हम युद्ध करते हैं उनका प्रमुख अपराध है उनका अहंकार, किंतु कदाचित उससे एक बहुत बड़ी हानि भी होने लगी है। देवताओं में अहंकार भरने लगा है, और यदि ऐसा है तो उन्हें भी दंड तो अवश्य मिलना चाहिए। और यह घटना देवताओं के लिए भी एक उदाहरण बनेगी। पिताजी, इंद्रदेव को क्षमा कर दीजिए,
ये बहुत बड़ा दंड है, और कहीं इसके कारण गणेश को क्षति ना पहुंच जाए। पिताजी तो शांत ही नहीं हो रहे हैं। अन्याय नहीं न्याय करूंगा मैं। उनके अहंकार का जो दंड असुरों को प्राप्त होता है, वही दंड देवराज को भी दूंगा मैं। इस प्रकार तो मूषक जी पर आरूढ़ होकर हम पिताश्री की क्रोधाग्नि को पीछे नहीं छोड़ सकेंगे। मुझे इंद्रदेव को अधिक से अधिक समय तक सुरक्षित रखने का कोई और उपाय करना होगा। प्रभु बताइए आप। इंद्रदेव मुझे पकड़ कर रखिएगा। मूषक जी मैं जो कहूँ वो करते जाइए आप। उचित है प्रभु। नीचे बढ़िए मूषक जी। जी प्रभु। परंतु प्रभु हम इससे कब तक रक्षित रहेंगे? अब ऊपर चलिए मूषक जी। जी उचित है प्रभु। गणेश जी महादेव की क्रोधाग्नि तो अभी भी मेरा पीछा कर रही है। पिताश्री के तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुई अग्नि को तो समस्त संसार में कोई नहीं रोक सकता देवराज। मैं केवल आपको अधिक से अधिक समय तक सुरक्षित रखने का प्रयास ही कर सकता हूँ देवराज। तो क्या मेरी रक्षा असंभव है? महादेव देवराज का आचरण उचित नहीं था, किंतु उनकी ओर से मैं क्षमा याचना करता हूँ। कृपा कीजिए प्रभु, शांत हो जाइए। पिताश्री यदि आप शांत नहीं हुए तो घोर अनिष्ट हो जाएगा। प्रकृति आपकी क्रोधाग्नि से प्रभावित हो रही है पिताश्री। देव मैं विश्वास दिलाता हूं देवराज इंद्र उचित पाठ सीख चुके हैं। कृपा कीजिए आप भी शांत हो जाइए। महादेव देवराज इंद्र को भस्म करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा, अपितु यदि वर्षा के देवताओं को नष्ट किया गया तो प्रकृति पर और बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्या करूं मैं? पिताजी इतने क्रोध में हैं कि वो किसी का सुझाव नहीं मान रहे। कौन है जो उनके इस क्रोध को शांत कर सकता है? माँ अब आपको ही हस्तक्षेप करना होगा, आपको ही शांत कराना होगा पिताश्री को। पुत्र मैं कदाचित तुम्हारे पिताश्री के कार्य में हस्तक्षेप करने में असमर्थ हूँ। इसमें केवल देवराज की सुरक्षा निहित नहीं है माँ, गणेश और मूषक जी भी इंद्रदेव को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात वो भी संकट में है मां। यदि इंद्रदेव को कुछ हुआ तो समस्त संसार पर अनिष्ट की छाया पड़ जाएगी। आपके और पिताजी के निर्देश पर ब्रह्मदेव द्वारा जिस सृष्टि का सृजन हुआ उसके नित्य नव सृजन में इंद्रदेव का भी महत्वपूर्ण योगदान है मां। यदि उन्हें कुछ हुआ तो सृष्टि का सृजन चक्र भी नष्ट हो जाएगा माँ। इंद्रदेव अष्ट दिक्पाल के अध्यक्ष हैं, यदि उन्हें कुछ हुआ तो सर्वनाशी परिणाम होंगे माँ। माँ जिसके संकेत तो अभी से दिखाई देने लगे।
मैं विनती करता हूँ माँ, पिताजी को मना लीजिए। उन्हें शांत करने के लिए आपको ही कुछ करना होगा माँ। अभिमान में आकर अपने समक्ष सभी को तुच्छ समझने वाले ही सत्य में तुच्छ होते हैं। जब ऋषि अगस्त्य ने सृष्टि को जल से वंचित कराया तो एक कौवे का रूप लेकर गणेश जी ने क्या चमत्कार दिखाया और कैसे लोगों तक कावेरी नदी को पहुंचाया।